दोस्तों रियान पराग तो टीम इंडिया के लिए सिलेक्ट हो चुका है, लेकिन उसकी बात कई सवाल खड़ा हो गई है। जैसे क्या रियान पराग को प्लेइंग 11 में जगह मिलेगी? मान लेता हूं कि रियान पराग को प्लेइंग 11 में जगह मिल गया, फिर क्या उन्हें नंबर 4 का पोजीशन मिलेगा? अगर ये भी मान लेते हैं कि रियान पराग को टीम इंडिया में नंबर 4 का पोजीशन मिल गया, फिर भी क्या जिन बाबू का पिच ऐसा होगा जहां बल्लेबाजों का साथ मिलेगा या फिर अमेरिका की तरह गेंदबाजों का साथ मिलेगा? ये सारे काफी सवाल इस समय रियान पराग की फैंस के मन में चल रहा है और सोशल मीडिया पर ये नजर आ रहा है। जब भी टीम इंडिया में एक नया खिलाड़ी को मौका मिलता है तो उन्हें जल्दी ही प्लेइंग 11 में मौका देना चाहिए, क्योंकि उनके ऊपर एक मानसिक दबाव रहता है। अगर जल्दी ही प्लेइंग 11 में खेल लेता है तो वो दबाव झेल लेता है। हालांकि रियान पराग काफी सालों से क्रिकेट खेल रही है, उनके पास काफी एक्सपीरियंस है, काफी सालों से वो IPL भी खेल रही है, लेकिन फिर भी इंटरनेशनल मैच तो इंटरनेशनल मैच होता है, उनका दबाव भी अलग होता है और इंडिया जैसा टीम के लिए डेब्यू करना इतना आसान नहीं है। दोस्तों इंडियन टीम में काफी कंपटीशन है, एक एक पोजीशन के लिए 10-12 खिलाड़ी खड़ा हुआ है आपके पीछे। अगर आपकी प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है तो आगे आएगा दूसरा खिलाड़ी, इसलिए हर मैच में अच्छा प्रदर्शन की जरूरत है। और रियान पराग को ये ध्यान में रखना है कि मौका ज्यादा नहीं मिलेगी। यहाँ पर संजू सैमसन जैसा खिलाड़ी को अगर 1-2 ही मौका मिलता है तो रियान पराग तो काफी दूर की बात है, इसलिए रियान पराग को संभाल के खेलना पड़ेगा। जितना भी मौका मिलता है रियान पराग को उसको बुनाना पड़ेगा, मौके पे चौका मारना पड़ेगा। हालांकि प्लेइंग 11 में अगर संजू सैमसन होता है तो रियान पराग को कॉन्फिडेंस मिलेगा, क्योंकि IPL में राजस्थान रॉयल्स की ओर से संजू सैमसन कप्तानी करते हैं और रियान पराग नंबर 4 पे बल्लेबाजी करते हैं। दोस्तों सोशल मीडिया पर रियान पराग को लेकर काफी ज्यादा चर्चाएं हो रही है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो या फिर फेसबुक, यूट्यूब, हर जगह रियान पराग ही रियान पराग है। इंडियन टीम में टिके रहना इतना आसान नहीं, हर इनिंग्स को अच्छी तरह से बिल्ड करना पड़ेगा, हर इनिंग्स को लंबा करना पड़ेगा, तब ही इंडियन टीम में टिके रह सकते हैं रियान पराग। हालांकि रियान पराग में वो क्षमता है, हमने IPL में देखा जिस तरह से बेबाक तरीके से बल्लेबाजी करते हैं रियान पराग, वो अगर इंटरनेशनल लेवल पे चल गए तो रियान पराग ही रियान पराग होगा, बाकी सब धुआं धुआं होगा। अगर टीम इंडिया की नजरिया से देखा जाए तो रियान पराग नंबर 4 के लिए बेहतरीन बल्लेबाज है, रियान पराग से बेहतर बल्लेबाज इस 15 खिलाड़ी में और कोई नहीं है। देखा जाएगा जिन बाबू की पिच कैसा होता है, अगर ये पिच बल्लेबाजों का साथ देता है तो रियान पराग का भी साथ देगा और रियान पराग कमाल करके दिखाएगा। दोस्तों रियान पराग के साथ है असम की 3 करोड़ जनता, रियान पराग के साथ है भारत की 140 करोड़ जनता, रियान पराग के सर पे हाथ है भारत की हर एक पिता की, रियान पराग के सर पे हाथ है भारत की हर एक माता की, इसलिए उम्मीद ये है कि रियान पराग बेहतरीन करेगा और टीम इंडिया में टिके रहेगा। दोस्तों रियान पराग एक जाबाज खिलाड़ी है, रियान पराग में टैलेंट कूट कूट के भरा है और फॉर्म भी उनकी साथ है, लेकिन देखा जाएगा क्या इसी फॉर्म को इंटरनेशनल लेवल पे ले जा पाते हैं या नहीं। दोस्तों अगर रियान पराग इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा खेल जाते हैं तो असम में जश्न ही जश्न होगा। दोस्तों इसी रियान पराग को एक समय जिस तरह से ट्रोल किया जा रहा था, ऐसा लग रहा था कि रियान पराग क्रिकेट से ही संन्यास ले लेगा, अगर और कोई क्रिकेटर होता तो सांस में ही संन्यास ले लेता। इतना ट्रोल सहने के बावजूद 22 साल का असम का एक लड़का मैदान पर टिके रहे और अपना औकात दिखाया उन ट्रोल करने वालों को। दोस्तों रियान पराग ने मैदान की बाहर काफी मेहनत की और उनका मेहनत रंग लाया और IPL में शानदार प्रदर्शन की, डोमेस्टिक में शानदार प्रदर्शन की और उसकी बॉल बूते पर इस समय टीम इंडिया में सिलेक्ट हो गई रियान पराग जिम्बाब्वे टूर के लिए। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रियान पराग टीम इंडिया में टिके रह सकते हैं? क्या टीम इंडिया की 4 नंबर पोजीशन रियान पराग को मिलेगा? क्या टीम इंडिया में प्लेइंग 11 में रियान पराग खेलेंगे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी के साथ दोस्तों आप लोगों से विदा लेते हैं।
फिर मिलेंगे। जय